start the chapter. We all know that food is necessary for us to live. मतलब कि हमें रहने के लिए, जीने के लिए सबसे important क्या है? Food. जो भी हम work करते हैं, काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, उन सब चीजों के लिए हमें energy चाहिए होती है. अगर आप एक पूरा दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? आपको बहुत लो फील होगा, एनर्जी भी नहीं लगेगा. तो इसीलिए हम खाना खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले. क्या करने के लिए? वर्क और प्ले. मतलब जो भी हम अपना काम करते हैं, जो भी आप गेम्स खेलते हैं, उन सब की एनर्जी आपको किससे मिलती है? फूड से. तो फूड हमारे लिए बहुत नेसेसरी है. ओके, इसीलिए ये पूरा चैप्टर जो भी बेस्ड है वो है फूड पे. तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि फूड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है. वी गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. अब हम देखेंगे कि किन टाइप्स के फूड होते हैं, कितने टाइप्स के फूड होते हैं. तो सबसे पहला जो फूड होता है वो होता है एनर्जी गिविंग. ऐसा खाना जो हमें हमारी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी देता है. ओके, देन जो दूसरे काइंड का खाना है वो होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, हमारी मसल्स को बिल्ड करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. और तीसरा होता है प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड वो फूड होता है जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है. ओके, तो इन सारे फूड को अगर हम मिला दें, क्योंकि सारे हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर हम इन सब को मिला दें तो बनती है हमारी बैलेंस्ड डाइट. और बैलेंस्ड डाइट क्यों नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए? क्योंकि अगर हम बराबर क्वांटिटी में सारे प्रोटीन, सारे विटामिंस खाएंगे तभी हमारी बॉडी को काइंड ऑफ एनर्जी मिलेगी. ओके, तो ये थ्री काइंड्स ऑफ फूड है और इन्हीं से हमारी बनती है बैलेंस डाइट. अब आपको कैसे फूड खाना चाहिए? ओके, आपको हर तरह के फूड को खाना चाहिए. लाइक आपको सारी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, सारे फ्रूट्स खाने चाहिए जिससे आपको एनर्जी मिले. ओके, तो ये तो हो गया. अब उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ टू काइंड्स ऑफ लोग होते हैं. एक होते हैं वेजिटेरियंस. ओके, अब वेजिटेरियंस वो लोग होते हैं जो सिर्फ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाते हैं. ओके, एंड दूसरे काइंड ऑफ होते हैं नॉन वेजिटेरियंस. तो नॉन वेजिटेरियंस कौन होंगे? जो वेजिटेबल्स तो खाएंगे और फ्रूट्स भी खाएंगे, लेकिन उसके साथ वो मीट और एग्स भी कंज्यूम करेंगे. तो मीट और एग्स से भी हमें बहुत सारा प्रोटीन मिलता है, बहुत सारी एनर्जी मिलती है, लेकिन कुछ लोगों को वो खाना पसंद नहीं होता है. तो दैट्स ओके. तो दो काइंड ऑफ लोग भी हमने पढ़ लिए, वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस.